आ जाता है। दोनों स्थितियों में वो उतनी ही देर माया में रहता है, उतनी ही देर कर्मों में लिप्त रहता है, जब तक उसकी हार और जीत का निर्णय नहीं आ रहा है। उसके बाद वो गेंद को भी रख देता है, बल्ले को भी रख देता है, न ही बॉलिंग करता न फील्डिंग करता है। उसके बारे में वो सोच सकता है, कल उसे फिर जाना होता है, कल जीतेगा कि हारेगा, कल कैसे खेलूंगा, कल मेरा टैलेंट क्या होगा, कल ऐसा न हो जाए कि मैं कहीं एक ही गेंद में आउट हो जाऊं, नहीं 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 मैं तो कम से कम 100 रन बना के आउट होऊंगा। ये सारे चिंतन उसके अंदर दौड़ते रहते हैं, वो सोचता रहता है, वो चिंतन करता रहता है। यहाँ पर भागवत कहती है कि जैसा व्यक्ति नित्य कर्म करता है जीने के लिए, वैसा ही वो सोचता भी है। जो प्राणी जीने के लिए परमात्मा के कर्म करता है, देवताओं के कर्म करता है, सत्य कर्म करता है, अध्यात्म कर्म करता है, दैवीय कर्म करता है और मूल कर्म करता है, ऋषियों का कर्म करता है, गुरु ज्ञान का कर्म करता है, गुरु मुख होके जीता है, वो अपने संसार में रह के भी केवल गुरु का, भगवान का, प्रपंच को त्यागने का, माया को छोड़ने का, वैराग्य का, सत्कर्म का, सद्गुण का, उन्नति अर्थात मुक्ति का, ये सारे विषयों का चिंतन करता है। खेत काटता है तो भी, दुकान पर बैठता है तो भी, नौकरी पर रहता है तो भी, क्यों? उसके अंदर मूल जो तृष्णा है वही उसके सपनों में आती है, वही उसकी चिंता में आती है, वही उसके चिंतन में आती है। जैसा जीवन हम लोग जीते हैं वैसे सपने आते रात को। सपनों का अनुकूल जीवन होता है, और रात में आया हुआ सपना भले ही झूठा होता है पर वो सपना सिद्ध करता है कि इसके मन में, इसके चित्त में और इसकी आत्मा में, जो आत्मा कभी निद्रा नहीं लेती, कभी सोती नहीं, उसके अंदर जो विषय है, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जो भाव है, वो ये है, और वो सपना प्रस्तुत कर देता है, सिद्ध कर देता है। जिनके दिलों में भय होता है उन्हें भय के सपने आते हैं, जिनके दिल में उत्साह होता है उन्हें उत्साह के सपने आते हैं, जिनके दिल में प्रपंच है, मोह है, माया है, धन है, वैभव है, दौलत है, उनकी वही वही आता है कि दुकान पे ग्राहक आया, मैं दुकान पे ये कर रहा हूँ, मैं उसको ये तोल रहा हूँ, मेरा किसी से झगड़ा हो गया और उसने पैसा नहीं दिया, ये ऐसा नहीं किया। वैसे दुनिया भर के जितने भी सरपंच सपंत है वो सब ऐसे आए हैं। क्यों? यदम तरम तद्वयम तदो चिंत योगः। स्मृति में ये उद्देश्य ऋषियों ने लिखा कि वास्तविक जो तृष्णा हमारे अंदर व्यापक है, उसी तृष्णा को हम सपने में देखेंगे, जब हम सो जाएंगे तब वो फल पैदा होता है। देखिए, दिन में हम पौधे में पानी डालते हैं, बकरियों से बचाते हैं, पक्षियों से बचाते हैं, पर जब हम कमरे के अंदर जाके ताला लगा के सो जाते हैं रात को 12 बजे, तब पक्षी को कौन बचाता है, तब पौधे की कौन रखवाली करता है, बताओ? तब कोई रखवाली नहीं करता है। पर जो पौधा लगाने वाला है, जिस पौधे से जिस व्यक्ति को जो फल चाहिए, जिस पौधे से जो फूल चाहिए, उसके बारे में सोते सोते भी वो सोचता है कहीं बकरी ना आ जाए, कहीं आंधी से उखड़ ना जाए। क्यों? उसमें उसकी मूल तृष्णा लगी हुई है, उसके पास में वही बगीचा है, उससे उसे संसार चलाना है, उसी से उसे अपना परिवार चलाना है, उसी से अपना कर्म पूरा करना है, और कोई धंधा नहीं है, और कोई प्रवचन नहीं है, और कोई उद्योग नहीं है। तो दिन और रात उसी का चिंतन करता रहता है, दरवाजे के अंदर सोना भी चाहता है, पेड़ की रखवाली भी करना चाहता है, कल सुबह उसमें क्या करूँगा वो भी चाहता है, कल उसमें खोदूंगा, यूरिया डालूंगा, गोबर खाद डालूंगा, कल औषधि छिड़क दूंगा, क्यों उसके पत्ते ऐसे हो गए थे, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वो चिंतन उसका 24 घंटे उसके चित्त में चलता रहता है। भागवत थोड़ा सा अलग से बताती है, पौधे का चिंतन करो, व्यापार का चिंतन करो, माता पिता बंधु सखा का चिंतन करो, पर ये सारा चिंतन हमको एक मूल स्थिति से दूर करता है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ,
उससे हमें थोड़ा सा हटा देता है। कितना हटा देता है? पेड़ की छाया तो हमें मिलती है पर पेड़ का फल नहीं मिल सकता, इतना हटा देता है। हम रहते पेड़ के नजदीक हैं, पेड़ की छाया मिल जाएगी, पर याद रखना पेड़ की छाया से गर्मी दूर हो सकती है पर पेड़ की छाया से भूख दूर हो सकती नहीं है। भूख के लिए, भूख की शांति करने के लिए पेड़ पर लगा हुआ भोजन चाहिए, फल चाहिए, औषधि जड़ी बूटी जो भी है जिससे हमारी भूख मिटे वो चाहिए। इसलिए हमें छाया में रहना है और फल की भी। ये हो गया सामान्य ज्ञान। छाया में रहो भगवान की और फल की भी भावना रखो, फल का भी निश्चय करो कि शद फल कम मिलेगा, सच्चा फल कम मिलेगा, सच्चा फल कम मिलेगा, सत्य फल कम मिलेगा, अजन्मा फल कम मिलेगा, अमृत्य फल कम मिलेगा। ये भी भावना मन में चाहिए। ये मृत फल रहते हैं, जैसे कुछ पैसा बढ़ गया कि बच्चे अच्छे हो गए कि और कुछ अच्छा हो गया, संसार में थोड़ा सा धन संपत्ति बढ़ गया है, कुछ व्यापार बढ़ गया, ये कैसे, ये मृत सुख है, मृत फल है। कैसे मृत फल है? हम मरेंगे, फल खत्म, अब इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे पास में जो सत फल है वो रहेगा। और सत फल में दो ही आते हैं, सत में एक तो आता है पाप, पाप भी सत होता है, और एक होता है पुण्य, वो भी सत होता है। इसके अलावा एक जो महाफल होता है जो किसी किसी को मिलता है वो इच्छा के रहित होना चाहिए, तृष्णा रहित होना चाहिए, उसे कहते हैं निष्काम कर्म फल, जिसमें कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है और हमारा भाव भी कुछ नहीं है, हम तो करते जा रहे और हमें परिणाम की भी चिंता नहीं रही, हमें उसके बारे में कोई चिंतन नहीं है, कोई किसी प्रकार का उद्योग नहीं है, खाली हम करते जा रहे। किसी ज्ञानी से सुना था अगर ऐसे ही करते जाओ तो वही जो निरंतरता का उसका कर्म है वो निष्काम बन जाता है, बिना स्वार्थ का बन जाता है और वो महाफल होता है, और वो महाफल उस महान परमात्मा से मिलवा देता है, उसकी ही ज्ञान मूर्ति बन के कर्म करने की चेष्टा करो। सकाम कर्म करने की चेष्टा करो पर सकाम कर्म आपके जीवन में पाप और पुण्य से जोड़ देगा। कुल मिलाकर या तो सोने की सांकर में बांध देगा या तो लोहे की सांकर में बांध देगा, पर लोहे की सांकर या सोने की सांकर जब सांकर बन जाती है तो टूटने में दोनों ही तकलीफ देती है। सोना भले ही महंगा होता हो पर टूटने में वो भी तकलीफ देता है, सांकर तो सांकर है। याद रखो 10 किलो लोहे की सांकर और 10 किलो सोने की सांकर दोनों ही बराबर मजबूती को प्राप्त करेंगी और दोनों ही तकलीफ देंगी तोड़ने में, क्योंकि खोल के जाना बड़ा कठिन है संसार से। याद रखिए संसार में जो मोह ममता लालच विषय, जो तृष्णा रूपी जो सांकर है जो हमने डाल के रखी अपने जीवन में, हथकड़ी और बेड़ियों की तरह जो बंधन बना लिया है, उस बंधन को हम ऐसे निकाल के नहीं जा सकते हैं, उसे हमें तोड़ के फेंकना पड़ता है तभी हम उस बंधन से मुक्त होते हैं। ध्यान करिए उसे निकाल के जाने वाले लोग विरले होते हैं, जो तोड़ते भी नहीं उसे, बड़े योग से, बड़ी भक्ति से, बड़े कर्म से, बड़े वैराग्य से और बढ़िया चिंतन से, निष्काम से, सत्य प्रभु से मिल करके जो निरंतर अपने जन्म का उद्देश्य सिद्ध करते हैं, वो उन हथकड़ी बेड़ियों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए खोल कर रख देते हैं और यात्रा करते रहते हैं। पर 99% लोगों को तोड़ के ही भागना पड़ता है खोल के जाने की। ना, याद करिए जेल में जो अपराधी रहता है, आज तक जितने अपराधी भागे हैं एक हाथ खोल के भागा है, बाकी सब तोड़ के भागा है। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान का अपराधी ना हो, एक भी व्यक्ति नहीं है आपका है? अगर कोई ऐसा टेस्ट और आ जाए साइंस में जिससे ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति अपराधी पूरा है या नहीं, क्योंकि हम और आप जितने लोग हैं ना, हम सब लोग मानवता और इंसानियत धर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, पर उसके अंदर हमने भगवान का अपराध अवश्य किया हुआ है,
हमने संसार का अपराध भले ही न किया हो, हमने किसी का दिल भले ही न दुखाया हो, हमने बेईमानी न की हो, हमने कोई विषयांत कर्म न किया हो, हम बड़े सदाचारी हैं समाज में, सब लोग हमें पसंद करते हैं, पर परमात्मा के यहाँ तो हमने कोई न कोई अपराध कर लिया है। याद रखिए, पैर के नीचे तो आ ही जाता है कोई मूंगी मांगा, पैर के नीचे कोई जंतु आ ही जाता है, अपराध हो ही गया है, हमको नहीं पता अपराध। हम तो गाड़ी में बैठते, कार में, कार जब चलती है तो रोड पर दुनिया भर के जंतु रात में कुचलते ही और गाड़ी से टकरा टकरा के मरते ही, ये सब प्रभु का ही अपराध है, हमको नहीं पता चलता है। पर सृष्टि में कोई बिरला होगा, पांडाल में नहीं, सृष्टि में, मैं भी नहीं बचा हूँ उससे। क्यों? मैं तो गाड़ी में बैठ जाता हूँ, शीशा बंद हो जाती, गाड़ी दौड़ती है और सुबह देखो शीशा पे दुनिया भर के दाग दिखते, मैं समझ लेता ये सब कीड़ों के दाग है, मर गए कीड़े हैं। अरे गाड़ी चलती नहीं तो कीड़े मरते नहीं, और गाड़ी चली इसलिए कीड़े टकराए, नहीं तो कीड़े तो अपनी गति में रहते हैं, वो तो प्रकृति का आनंद भोग रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया, हमने हमारे द्वारा उनके साथ प्रतिशाद किया गया और स्पर्श होने मात्र से जिंदगी खत्म हो गई, हम परमात्मा के अपराधी हो गए, हमें पाप नहीं लगेगा क्योंकि हमने कोई गाड़ी रोक के कीड़ा को नीचे नहीं डाला टायर के, हमें पाप कुछ नहीं है, पर हम प्रभु के अपराधी है। भगवान ने हमें दूध नहीं बना दिया, परमात्मा ने हमें मक्खन नहीं बनने दिया है, परमात्मा ने हमें दही और छाछ की तरह रखा है, प्रयोग का तो है दही, छाछ भी प्रयोग की है, छाछ में कड़ी बन जाती है, दही से छाछ बन जाती है, दही में से मक्खन भी निकल आता है, पर मक्खन को ओरिजिनल नहीं बनने दिया, दही में डाल के रखा है, मक्खन है पर खट्टा 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 खट्टा, और जब दही से मक्खन बाहर आता है तो मक्खन में खटास रहती। अच्छा बताइए, उस दही में खटास रहती है, दही तो अम्मट खट्टा रहता है, पर अब वो खट्टा जाता कैसे ये बताओ आप, वो खटास निकलती कैसे है? कैसे निकलती है खटास, सुनिए अब बताते हैं आपको। दही में से खटास कैसे गायब हो जाती है, तो दही का जो ज्यादा तत्व है, दही की जो ज्यादा मात्रा है वो तो मटकी में रहती है, और दही की जो कम मात्रा है वो मटकी के ऊपर आ जाती है। अब बताइए, समुद्र में से अमृत कैसे निकला, ऐसे दही में से मक्खन निकल गया। समुद्र में से अमृत कैसे निकला, तो कहा देवताओं ने और दैत्यों ने विंध्याचल पर्वत को रई बना लिया, मथनी बना लिया, और शेषनाग की रस्सी बनाई और दोनों ने उस पर्वत को समुद्र में हिलाया और हिलाते हिलाते बरसों निकल गए। जब समुद्र का कुछ स्थान शुद्ध हो गया उसमें से अमृत ऊपर आने लग गया। ऐसे ही दही में जब हम रई डालते, रई मथने वाला यंत्र डालते और घंटों तक उसे मथते रहते, चलाते रहते, हिलाते रहते, तो दही का जो परम तत्व है वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक तत्व तो बहुत गाढ़ा हो जाता है तो वो कम हो जाता है, और एक बहुत पतला हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है। जो पतला हो जाता है सारे दोष उसमें चले जाते हैं, और जो गाढ़ा हो जाता है सारे गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए अब यहां भागवत कह रही है कि आप परमात्मा के अपराधी हैं, आपके अंदर मक्खन तो है, अच्छाइयां तो हैं, आपके अंदर चिकनाहट है, गुण तो है, सदाचार तो है, आपके अंदर दया है, धर्म है, सौंदर्य है, सेवा है, आपके अंदर गुणवत्ता है, पर खटास के साथ है, और भागवत कहती है वो खटास ही निकालना चाहिए, वो खटास निकल जाएगा तो हम मक्खन बनेंगे, और मक्खन कृष्ण को प्रिय है, परमात्मा को मक्खन से बड़ा स्नेह है। जो प्राणी मक्खन जैसे हो जाते हैं उनको प्रभु अपने होठों से लगा लेता है। दही तो हम भी खाते हैं और आप भी खाते हैं, भगवान भी दही को खाते हैं, हाँ, पर होठों से भगवान दही लगाते नहीं है। अच्छा बताओ, होठ फट जाए तो मक्खन लगाना चाहिए कि दही लगाना चाहिए? मक्खन। जोर से मक्खन। मक्खन का खटास निकल गया। खटास का मतलब होता है दोष, उसके अंदर जो पवित्रता है वो कायम हो गई। भगवान करे हमारे और आपके अंदर वो पवित्र बच जाए, कायम हो जाए,
अपना जीवन किसी की सेवा में आ जाए, किसी सत्पुरुष के जीवन में अपना जीवन मिल जाए, द्विष हो जाए अपना जीवन, अपने जीवन को कोई महापुरुष स्वीकार कर ले, ऐसा थोड़ा सा कर लीजिए उसको। दरअसल में किसी महापुरुष की अपनी जीवन पर छाया पड़ जाती है। देखिए, एक होती है बबूल की छाया, एक होती है पीपल की छाया, दोनों ही तो पेड़। पर बबूल के नीचे रात भर सोने वाले व्यक्ति की नींद पूरी होकर के भी वो फ्रेश नहीं हो सकता सुबह, क्योंकि बबूल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और पीपल के नीचे सोने वाला सुबह लाल लाल गाल करके उठेगा, आंखें मस्त हो जाएंगी, होंठ गुलाबी हो जाएंगे, सोने से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें 100% ऑक्सीजन होती है। ऐसे ही माता पिता अच्छे तो होते हैं, पर ये बबूल के पेड़ की तरह होते हैं। इनकी छाया में, इनकी गोद में सोने के बाद नींद तो आ जाती है, पर आदमी फ्रेश नहीं हो सकता, सौंदर्य नहीं ला सकता, पवित्र नहीं हो सकता। माँ बाप छाया तो देते हैं, माँ बाप ठंडक तो देते हैं, माँ बाप सुख तो देते हैं, माँ बाप धर्म और फल तो देते हैं, माँ बाप सम्मान प्रेम तो देते हैं, पर पीपल में और बबूल में जितना अंतर है, उतना ही महापुरुष सतगुरु साधुओं में और सामान्य मनुष्य में होता है। सामान्य मनुष्य सोते सोते भी नेगेटिव ही सपने देखता है, और सतपुरुष जागते सोते हमेशा सत्य सपने देखते हैं। समाज और जीव प्रकृति संसार का भला ही सोचते हैं, परमात्मा के सन्निकट रहते हैं। और ये सामान्य जो मनुष्य है, ये परमात्मा के निकट नहीं रहता, ये अपने स्वार्थ के निकट रहता है और परमात्मा को खाली दूर से, जैसे तुम आरती लेते कि नहीं, ऐसे आरती ले ली, अब आगे जान दो, आगे जान दो, आगे जान दो। आज तक आरती को किसी ने छाती से लगा के रखा है? अच्छा बताओ, जब आरती क्षण भर में नमस्कार करने मात्र से आरती जब तुम्हारा भला कर सकती है, तो फिर छाती से लगा के रखेंगे तो और कितना भला करेगी? पर नो 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 नो, छाती से कोई नहीं लगाएगा। अच्छी चीज को छाती से लगाना बहुत कठिन है। इस व्यापार में इतना मार्जन होता है, पर थोड़ा पाप है वो तो स्वीकार कर लेगा आदमी, अंध कोई बात नहीं, मार्जन तो हो रहा है ना, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, अरे रे 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 रे, मार्जन हो रहा है, ये स्वार्थ तो समझ में आया, पर उसमें जो पाप घुसा है वो तुझे नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इच्छा और तृष्णा के कारण वो जो सही ज्ञान है वो बुद्धि ने ग्रहण नहीं किया, और जो नकली है वो ग्रहण कर लिया। क्यों? इसी से तो कमजोर होगा, इसी से तो बर्बाद होगा, इसी से तो बुरे कर्म होंगे, इसी से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसी से मन बिगड़ेगा, इसी से औलाद बिगड़ेगी, इसी से चिंतन बिगड़ेगा, इसी से परिवार बिगड़ेगा, इसी से संस्कार बिगड़ेगा, इसी से संस्कृति जाएगी, और कुल मिलाकर के जीवन के सुख इसी से कमजोर पड़ेंगे। सुनिए, संसार में से थोड़ी नफरत पैदा हो। नफरत कैसी? प्रेम युक्त धर्म युक्त नफरत चाहिए। ऐसी नफरत नहीं चाहिए कि हम बैरागी हो गए, अब हमारे सामने जो भी आएगा हम खोपड़ा फोड़ देंगे, हमें किसी से प्यार नहीं है, हम तो बैरागी हो गए, हम तो बैरागी हो गए, हमें प्यार ही किसी से नहीं है, तो पत्थर से खोपड़ा मत फोड़ो किसी का, ऐसी नफरत नहीं चाहिए। तो कहा तृष्णाम व्याप्तम ला सुधान कृत्व, संसार माने ये नहीं है। अगर ये संसार होता तो मैं कथा नहीं सुनाता तुमको। संसार सबके अंदर बसा हुआ है। ये क्या है? ये वो जो बोलते हैं ना, फोटो स्टेट बोलते, टू कॉपी बोलते, नेगेटिव पोज, ये जो दिख रहा है ये सब फोटो स्टेट है, अंदर ओरिजिनल वाला फोटो है। ये जो भी दिख रहा है ये सब नेगेटिव, सब का सब दूसरे पोज है, जो काले काले वो पोज है, असली फोटो अंदर है संसार का। याद रखिए, बहन आ गई वो नकली है, असली बहन इधर समाई है, तो ही हम बहन को बहन कहते हैं। असली फूफा कहाँ है? इधर है, तो ही हम फूफा को फूफा समझते हैं। अगर फूफा इधर नहीं तो उधर नहीं। अच्छा बताओ, जिन लोगों की बुआएं नहीं होती वो किसी से फूफा कहते नहीं है, क्यों? उनका फूफा इधर है ही,
तो काहे को फूफा कहेंगे, है? जिनका मामा नहीं होता वो काहे को मामा कहेंगे, इधर है ही नहीं, जिनको पापा है नहीं वो पापा क्यों कहेंगे, पापा है ही नहीं। जो चीज यहां रहती है वही धर्म हम बाहर निभाते हैं, जो यहां नहीं वो बाहर नहीं, इसलिए असली संसार हमारे अंदर व्याप्त है। व्याप्तम योगेन व्याहन प्रकृति नाम, असली संसार हमारे यहां व्यापक है। घर में माताएं हमेशा पूछती रहती हैं पतियों से, अच्छा बताओ खाना क्या पकाऊं, खाना क्या पकाऊं, क्यों पूछती है बताओ, क्यों पूछ रही है बताओ ना। कोई मेहमान आ जाए उससे भी पूछते हैं आपको क्या पसंद है, अब क्या खाना चाहेंगे, क्यों पूछते बताओ ना, क्यों? क्योंकि माताएं जानती हैं सारे स्वाद इसके अंदर है, और इसका जो स्वाद होगा मैं वही देना चाहूंगी, क्योंकि आदमी के जो स्वाद होते हैं अगर उसे वो प्राप्त हो जाते हैं तो वो उस खुशी का अनुभव करता है, वो सुख का अनुभव करता है, वो आनंद का अनुभव करता है। आपको जो चीज पसंद नहीं है और वो आपके थाली में सज के आ जाए तो आपको देखने मात्र से टेंशन आ जाएगा और आप सोच लेंगे आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ससुराल में नया नया आया हूँ, इधर उधर कुछ बोल नहीं सकता, और सास के सामने भी ना 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 ना, चुपचाप जो मिले उसको प्रणाम कर लो, पर अंदर से दुखी हो गया, अंदर से सुख गायब हो गया, अंदर से चली गई चेतना। इसलिए मन पसंद व्यवहार का दर्शन करवाया जाए, क्यों? हमारे मन में जो बैठा है हमें तो उसी को मथना है, हमें उसी का ही तो चिंतन करना, उसी को तो हमें दिव्य करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो मटकी है जहां मन रूपी दही जमा हुआ है उस दही के ऊपर भी तो हमें ज्ञान की मथले डालनी है और अपनी तपस्या वैराग्य से उसे खींचते रहना है, और जब वैराग्य और तपस्या से खिंचाई शुरू हो गई तो फिर आप पक्का समझ लो वो ज्ञान की जो मथनी है जो दही को फाड़ डालेगी, जो दही के दो टुकड़े कर देगी, अच्छे को ऊपर ले आएगी और खट्टे को नीचे कर देगी, ऐसे ही कथा सत्संग से व्यक्ति संसार को नीचे और परमात्मा को ऊपर कर लेता है, क्योंकि बिना ज्ञान के ये संभव नहीं है। याद रखिए दही सबने देखा है पर दही में से मक्खन सब निकाल सकते नहीं है। घर में बेटी रहती है, बेटा रहता है, पापा रहता है, दादा रहता है, दादी रहती है, पर दही वाला काम कोई एक ही करता है, सबसे नहीं जमता वो, समझ लो। भिंडी सब पका लेते हैं, आलू भी सब पका लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी, पर वो सब नहीं कर सकते। घर में कोई एक विशेष ज्ञानी रहता है, अब वो माँ रह सकती है, दादी रह सकती है, कोई भी जिनको होशियारी है, ज्ञान है, जिन्हें अभ्यास हो गया है, पहले उन पर भी नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने मथनी चलाई, कभी नहीं निकला, कभी थोड़ा निकला, कभी छाछ पतला हो गया, कभी गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, कुल मिलाकर कभी कभी करके उन्होंने टारगेट कर लिया कि सिस्टम कैसे सही जाता है, और धीरे धीरे वो सीख गए, असली मक्खन को निकालने का कहानी उनको आ गया, ज्ञान उनको आ गया, ऐसे हमको भी आएगा, हमको भी आ जाएगा। आज कम से कम उस खट्टी मथनी डालिए तो सही मटके में, आप अपने हृदय रूपी जो चित्त में व्यापक खटास है, बुराई है, अधर्म है, अन्याय है, दोष है, अवगुण है, पहले आप उसमें ज्ञान रूपी मथनी डालो, पहले ज्ञान लो तो सही, मथनी लाओ तो सही, डालो तो सही, त्याग और तपस्या, अरे इसकी रस्सी बनाओ तो सही, और खिंचाई करो तो सही, अभ्यास बनाओ तो सही, बैठो तो सही, ध्यान के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, सुनने के लिए, बैठने के बाद अगर दो दो भाग ना हो तो कल मत करना, अगर हो जाए तो कर ले। मन कर भक्ति भगवन की, मन कर भक्ति भगवन की, और का पाकर काया नर्तन की, मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की, भगवन की पाकर काया नर्तन की।
उपदेश को समझ लो और ये पंक्ति को समझ लो, पद जो गाया गया है। यहां एक छोटा सा सूत्र बोलता हूं, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्षयो। ऋषियों ने कहा मन नाम का जो कार्य है वही कारण है हमारी हानि और लाभ का, यश और अपयश का, सुख और दुख का, मुक्ति और संसार का। इस मन के ही कारण आदमी माया भी बन जाता है और मन के कारण ही आदमी ज्ञानी ध्यानी योगी बन जाता है। याद रखिए, मन में ही संकल्प और विकल्प उठते हैं, अच्छे और बुरे। बुद्धि संकल्प विकल्प का निर्णय करती है, सही क्या और गलत क्या है। चित्त के संस्कार उसे च्वाइस करते हैं, चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे संस्कार रहते हैं ना, वैसी बातें ही पसंद आती हैं। और संस्कार जन्म जन्मों के रहते हैं चित्त के अंदर। अच्छे संस्कार लेके आया होगा तो अच्छी अच्छी बातें पसंद आएंगी, अच्छे लोग पसंद आएंगे, कुल मिलाकर वो महा आदमी हो जाएगा, अच्छा आदमी हो जाएगा। और संस्कार बुरे लेके आएगा और साधु के घर में भी पैदा हुआ होगा तो भी उसे अच्छी बातें नहीं समझ में आएंगी। मन कर भक्ति भगवान की, पाकर काया नर्तन की। पाकर काया नर्तन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। चोला है काया रतन अमोला है, मानव का तेरा चोला है काया रतन अमोला है। मानव का तेरा चोला है काया रतन अमोला है, मानव का तेरा चोला है काया रतन अमोला है। यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है। यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है। यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है। यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है। खबर तू कर ले तन मन की, खबर तू कर ले तन मन की, खबर तू कर ले तन मन की, खबर तू कर ले। देखिए, नर्तन का चोला ये एक कपड़े का नाम है। वस्त्रालय पे चले जाइए, वहां पर अलग अलग प्रकार के कपड़े रहते हैं और सभी पहनने के ही काम आते, सब ढकने का ही काम है। इसलिए आत्मा रूपी शरीर को इस मनुष्य रूपी जो काया है शरीर, इसने कपड़े के रूप में ढक के रखा असली शरीर को। ये मज्जा हड्डियों का जो शरीर है ना, ये नकली है, इसलिए सारे कार्य इससे नकली ही होते। असली जो शरीर है वो तो तुम हो आत्मा। वस्त्रालय से जो कपड़ा लाए, जैसे मैंने पहन के रखा है, आपने पहन के रखा है, ये और नकली है, क्यों? किसने नकली को ही ढक के रखा है। याद रखिए, असली बाकी है तुम्हारा है। उस असली को ढकने के लिए परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा की, दया की कि तुम्हें मानुष रूपी कंपनी का कपड़ा दिया। अगर भैंस रूपी बकरी रूपी कंपनी का कपड़ा देता तो हाल बेहाल हो जाते तुम्हारे। आपको मालूम नहीं,
बकरी ज्यादा कांटे के झाड़ पे मुंह मारती है। मनुष्य कंपनी का वस्त्र धारण करके आत्मा ने अर्थात आपने संसारियों ने प्राणियों ने धर्म बकरी का अपनाया हुआ है, धर्म सुअर का अपनाया हुआ है, धर्म गधे का अपनाया हुआ है, धर्म बुराइयों का अपनाया हुआ है। ना 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 भागवत जो कह रही है उसे पकड़ के बैठे हैं। कंपनी कुछ अलग दे रही है और आप आचरण कुछ अलग कर रहे हैं, इसीलिए जीवन में नुकसान, इसलिए जीवन में पूजा नहीं लग रही तुमको, जाप ताप नहीं लग रहे तुमको, शांति वांति नहीं लग रही तुमको, अनुष्ठान का फल नहीं मिल रहा तुमको, पूजा का फल नहीं मिल रहा तुमको, जाप का भी फल मिलता नहीं तुमको, सत्कर्म करके आए दान पुण्य उसका भी फल नहीं मिलता। क्यों? जो कपड़ा तुमने पहना है वही धर्म अपनाना चाहिए। कपड़ा मनुष्य नाम कंपनी का और धर्म बकरी भैंस पशु शेर कुत्ते इनका, धर्म तो सिद्धांत नहीं तो फल नहीं। अब हाथ ऊपर बजा के ताली ले लो। हाँ, और आज के बाद में महाराज हमने छोड़ दिया गधा कुत्ते घोड़े का सब, आज से मनुष्य बन गए। हाँ? अब याद रखिए मनुष्यता का एक फार्मूला छोटा सा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम ना अधमाई। बाबा तुलसीदास जी मनुष्य का धर्म सिद्धांत बताते हैं और उन्होंने दो ही शब्दों में सारा धर्म लिख दिया। परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम न अधमाई। पहली लाइन में कहा कि परोपकार जैसा धर्म दुनिया में कोई नहीं है और दूसरे के दिल को दुखाने जैसा अधर्म दुनिया में कोई नहीं है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस बार जो मिल गया है दोबारा मिलने का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भागवत कर लो, रामायण कर लो, शिव कथा कर लो, देवी कर लो, वेद कथा ईश्वरी की कथा कर लो,
हो नहीं रही है तो कर लो। कैसे कर लो? आयोजन नहीं कर सकते तो नियोजन तो कर सकते। आयोजन मतलब महाराज को नारियल नहीं दे सकते, खर्चा नहीं कर सकते तो नियोजन कर सकते। नियोजन कैसा? समय पे आ जाओ दुकान पे से, घर में झाड़ू बाड़ू जल्दी लगा लो, 500 ग्राम खिचड़ी पका के कुकर में पैक करके आ जाओ, सही 6 बजे यहाँ पहुंच जाओ। नियोजन बोलते हैं इसको। तुमको थोड़ी कुछ देना पड़ रहा है, खाली सिस्टम करना है तुमको। क्या कथा करने का सिस्टम है ये? आयोजन तो कर लिया करने वालों ने, अब नियोजन करना है। और जब तक किसी चीज का नियोजन नहीं होता तो जिंदगी नियोजित नहीं होती है। नियोजन चाहिए। जिन्होंने दिया लिया है, जिन्होंने पैसा वैसा खर्चा किया है, उनमें से एक हाथ भले ही न आएगा, मुश्किल है आना, नहीं भी आएगा, पर जिन्होंने कुछ नहीं दिया है उनको तो आनंद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब भागीरथ गंगा लेके आए थे तो पूरे जगत ने आनंद लिया था। ऐसे ही जब एक परिवार कथा लेके आया है तो पूरे गांव को, पूरे शहर को इसका आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि गंगा सब नहीं ला सकते। प्रॉब्लम यह है, नगर पालिका का पानी तो सब ले आएंगे पर गंगा सब नहीं ला सकते। गंगा तो वही लाएगा जिस पर शिव कृपा होगी, अर्थात भगवत कृपा होगी। भगवान जिसे सद्बुद्धि देते हैं वो गंगा लाता है, और परमात्मा जिसको सही अच्छी बुद्धि, उत्तम बुद्धि देते हैं, उस गंगा का वो भोग भोगते हैं। कोई नहाता है, कोई ले जाता है, कोई पीता है। अब आप बताइए, आपको जो चाहे सो करो, पर करो। क्यों? गंगा के घाट पे आके बैठ गए और चुपचाप बैठ गए तो गंगा का फायदा नहीं होगा। या तो नहाओ, नहीं तो पियो, नहीं तो बोतल में भरो, ले जाएंगे, ऐसा सोचो, कुछ तो करो। तो इसलिए ज्ञान गंगा जो बह रही है, यहाँ आ ही गए हो तो इस तीन में से कुछ एक करना ही चाहिए, नहीं तो तीनों कर लो। नहा लो, पी लो, भर लो, घर पे भी ले जाना। जरूरी थोड़ी है कि मैंने आपको ऐसा कहीं ऑर्डर किया है, आज्ञा की है, ना 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 ना, नहा के पी के जाना, लेके नहीं जाना। महाराज कह रहे हैं नहाओ, पियो, और तुमने आज तक किसी की शादी में इतना बड़ा भंडारा देखा है कि खाओ, फैलाओ और घर भी ले जाओ? नहीं। अगर कोई ले भी जा रहा है तो गेट पे पकड़ लेते हैं शादी के मालिक, कौन है, समझ में आए? पर महाराज ने खुला कर दिया माल, ले जाओ जितना चाहिए ले जाओ, और पियो और खाओ, नहाओ और दो, आए हो उसका भी आनंद उठाओ। वाह्य संसार सुखी, आंतरिक संसार सुखी, पर एक दिन में नहीं, घर पे भी जाके लगेगा ज्ञान। तो खाली मंडप में साधु बनने से फायदा नहीं है, ये साधुता घर तक भी जानी चाहिए। जवाब तो बढ़िया देते पर करते कुछ नहीं है। उत्तर तो सही है तुम्हारे पास में, पर रहेंगे कुकर्मी के कुकर्मी। सत्कर्मी कब बनेंगे मुझे नहीं पता, पर भागवत सुनाने का काम मैं बराबर करूंगा, सत्कर्म करने का रास्ता बराबर बताऊंगा। क्यों? एक अच्छे टीचर का काम मैं बराबर करते चले आ रहा हूं, और ईश्वर करे करते ही जाऊंगा, कहीं परमात्मा अड़चन बाधा डालेंगे नहीं। क्यों? स्वयत्तुम कर्मोन फलम श्रुति नाम, अपने ही कर्म बाधा डालते, भगवान तो सिर्फ साधा डालता है, बाधा परमात्मा किसी के जीवन में नहीं डालता। खाली प्रॉब्लम कैसी है? अपना किया हुआ दिखता नहीं, इसीलिए भगवान की खोपड़ी पर अंडा फूटता। अरे भगवान तूने क्या कर दिया, हमारा तो एक ही था, कई के घर में पांच पांच हो रहे पर किसी को भी टीवी नहीं हो रही, मेरे एक को ही हो गई। अरे भाई उसके पांच है पर वो बेचारे कर्म करके आए, अब तेरा कुछ कर्म करके आया है इसलिए तुझे ये मिल गया, पांच वाले को नहीं मिला। 101 से भी ज्यादा बच्चे ही कौरवों को, गंधारी को, कुंती को तो पांच ही थे, पर सत्कर्म करके जो आता है, और करने के बाद मैंने अभी कहा कि जो जन्म जन्मों से संस्कार अच्छे लेके आता है वो कितने भी माया में रहे पर उसके संस्कार कभी भ्रष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते, वो तो अमृत बना रहता है। अरे सोने का कुंडल अगर आपकी नाली में गिर जाए, जिसमें आप मूत्रते हैं, जिसमें आप संडास करते हैं, गटर जिसे कहते हैं, उसमें सोने का कुंडल गिर जाए और ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो जाए, और 4 दिन के बाद में वो कुंडल तुम्हें दिख जाए और उसे निकाल लो, तो क्या वो लोहा बन जाता है? अब भाई सुनार लोगों बताऊं,
अब यजमान ही सुना रहे तो क्या करेंगे, इसलिए हम तो जैसा यजमान रहता वैसी कथा सुनाते। चलिए, चलम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनको थोड़ी अच्छी हवा मिलनी चाहिए, पर भगवान की दया बड़ी अच्छी है, जो जन्म जन्मों से कुछ संस्कार लेके आते हैं उनके तो आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, बड़ा परिश्रम करके भी शुभ नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा करे हमारे पिछले जन्मों के कर्म कैसे ही पता नहीं, हमारे भविष्य का तो हमें मालूम है कि हम आज अपने भविष्य का निश्चय कर सकते हैं, हमें किसी पंडित पुजारी ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है। केवल कभी भी रात में एक बार थोड़ी देर बैठ जाया करो और 10-20 मिनट आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान किया करो, उसी समय हमारा कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि भगवान बताते हैं आज सुबह से शाम तक तूने जो किया है इसका रिजल्ट कल ऐसा होगा, आत्मा अपने आप बोलती है, खाली स्वीकार तुम्हें करना चाहिए, पंडित की ज्योतिष दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर तुम ध्यान करते नहीं, इसलिए चले पंडित जी के पास, चले पंडित जी के पास, चले पंडित जी के पास। पंडित जी कहता है मंगल बिगड़ गया तेरा, जा सुनार की दुकान पे लेके नीला पत्थर डाल दे, हरा पत्थर। अरे रे 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 रे, ये औरतें तो नीली पीली हरी गुलाबी एक ही साड़ी में सतरंगी पहनती, सात रंग तो भी शांति ना मिलती, तो एक रंग से कैसे शांति मिल जाएगी? भाई तुम्हारे व्यापार का घाटा नहीं कर रहा नंदुआ, चिंता मत करना बिल्कुल भी। क्यों? सत्य जीवन में जब आ जाता है तो व्यापार आकाश में चढ़ के बोलता है, और जब झूठ जीवन में आता है तो आज नहीं तो कल पोल खुल जाती है दुकान की, फिर कोई गारंटी नहीं, गारंटी तो व्यापार नहीं। इसीलिए व्यापार लेट भले ही परमानेंट हो, व्यापार देर से फल दे चलेगा, पर 100 साल तक फल रहना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम आपको मालूम नहीं है, 10 साल में आम के झाड़ पर फल आता है, एक आम ऐसा होता है, और एक आम कैसा होता है, एक ही साल में फल आ जाता है। इस बार थैली में लगाया, थैली में से उखाड़ के खेत में लगाया कि फल भी आ गया, बड़ा अचम्मा लगता है, भाई इतने से झाड़ पे फल कैसे आ गया? पर कितना फल आया? तो कहा 3 फल आए। और जो विराट जो 10 साल के बाद में आता है उस पर कितने फल आते? अनगिनत, अनगिनत फल आते उस पर, अनगिनत। तो महाराज इंद्रदेव कहते हैं कि भले ही फल देर से लगे, झाड़ को बड़ा होने दीजिए, पर जब फल लगेंगे तो अनगिनत लगेंगे, गिनती के 3 नहीं लगेंगे महाराज। आज भगवान श्री सुत जी ने ऋषि शौनक जी को श्रीमद् भागवत कथा के मूल सिद्धांत का दर्शन कराया। मैं अभी तक जो आपको बता रहा हूँ ये सिद्धांत है। क्यों? आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि दूल्हे को घोड़ा पर बिठाने से पहले बड़ी बड़ी मरम्मत करनी पड़ती है, उसके नट बोल्ट सब ढीले रहते, टाइट करने पड़ते हैं ना, तो मैं नट बोल्ट टाइट कर रहा हूँ अब आपके। अभी मैं कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले नट बोल्ट लूज हो गए तो फिर ऊपर से मैं ऑयल डालूंगा, नीचे से टपक जाएगा, तो फायदा क्या है? इसीलिए नीचे वाले को कस लेता पहले, फिर ऊपर से। इंजन का नीचे का बोल्ट खुला हो तो ऑयल डालने का कोई फायदा नहीं है। बाथरूम में नल खुला हो तो पानी मोटर से चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो महाराज क्या कर रहे? पहले पूरे इंजन के चेकिंग कर रहे। माल तो भर दूंगा, चिंता मत करो, और माल भी जब नट बोल्ट ओके हो गए तो माल तो बहुत अच्छा है। हजारों हजारों जन्म तक तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी से ये माल कभी नहीं हटेगा और कभी भी गाढ़ा नहीं होगा, ये हमेशा दौड़ता रहेगा, तुम्हारे जीवन रूपी इंजन को स्वस्थ रखेगा, केवल इसे आप ले लीजिए। सारे बंधुओं, सारी बहनों को मैं अब एक भागवत का बढ़िया सिद्धांत बताता हूं। क्यों भाई? इसमें बड़ा खर्चा होता है, ये रंग महल देखो सजाया है, रंग महल कितना मनोहर लग रहा है, एकदम से जीवन
सृजित हो गया तुम्हारा जीवन मनोहर देख करके। तो सद्गुरु भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को दर्शन करवाया है, नारद मुनि ने मैत्रेय ऋषि को दर्शन करवाया, शंकर भगवान ने पार्वती माता को दर्शन करवाया, सुखदेव राजा ने परीक्षित राजा को दर्शन करवाया, और ज्यादा तो मैं क्या कहूं, कोशिश करूं कि मैं आपको दर्शन करवा दूं। तो पांच दर्शन भागवत के एक साथ होते हैं, पांच। कैसे कैसे दर्शन होते हैं सुनिए। एक दर्शन ऐसा होता है जो शिव पार्वती को करा रहे हैं, ये कैसा दर्शन है? तो कहा ये अच्छे गृहस्थ का दर्शन है। पार्वती कथा इसलिए सुन रही है कि वो अपना गृहस्थ अपने बच्चे अच्छा देखना चाहती है, एक फल मिल गया। अब दूसरा, मैत्रेय ऋषि नारद मुनि से कथा सुनते ही, क्यों सुनते ही? क्योंकि मैत्र ऋषि ऐसा फल चाहते हैं कि संसार छूट जाए और परमात्मा मिल जाए, दो फल हो गए। और चौथा फल कहाँ है? तो सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं, ये क्या फल है? तो सूत जी कहते हैं ध्यान ज्ञान प्रवत्त भागवत। ऋषि मुनि कब कथा सुनते हैं? ऋषि मुनि कथा सुनते ही ज्ञान के लिए, तो ज्ञान के लिए ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। और राजा परीक्षित कथा क्यों सुन रहा है? पाप धुल जाए। राजा परीक्षित से क्या हो गया था? पाप। तो क्यों सुन रहे? पाप धुल जाए। मुझे नहीं चाहिए पुण्य, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कोई गृहस्थ नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा जो अपराध हो गया है वो छूट जाए। अब तुम क्या चाहते हो बताओ? महाराज इंद्रदेव जो कथा सुना रहे हैं, ये परीक्षित महाराज के, मैत्रेय ऋषि के, शौनक ऋषि के और पार्वती की, उनको एक एक ही उद्देश्य है। और तुम चारों उद्देश्य बना के बैठ जाओ, पाप छूटने वाला राजा परीक्षित का भी फल तुम्हें मिल जाएगा, पार्वती के सदगृहस्थ का भी फल तुम्हें मिल जाएगा, संसार के वैराग्य का, मैत्री का फल तुम्हें मिल जाएगा, भगवान के असली रूप ज्ञान का भी फल तुम्हें मिल जाएगा। कुल मिलाकर तुम्हें चार फल तो हो जाएंगे इंद्रदेव महाराज की कथा में। क्यों? क्यों? क्योंकि जो हो गया है मैं वो कर रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, उन्होंने खुद बनाया था और दिया था, मुझे बना हुआ मिला है और मैं बांट रहा हूं। याद रखिए, बांटने में कोई तकलीफ नहीं है। हलवाई सब्जी बना दे, पूरी बना दे तो परसने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, पर बना के बांटने में तकलीफ बड़ी रहती है। क्योंकि चूल्हे का पसीना पोंछू कि बाल्टी का परसने का पसीना पोंछू, पहला सूखा नहीं तब तक और आने लग जाता है, और बांटने वाले को एक ही बार आता है, डबल डबल आता। इसीलिए महाराज इंद्रदेव के ऊपर शंकर की कृपा है, सूत जी की कृपा है, सुखदेव की कृपा है, नारद की कृपा है, इन चारों की कृपा है। और विष्णु भागवत की अतिथि का, परमात्मा श्री हरि का अनंत दया है मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपको चारों फलों की कथा सुना सकता हूं। अब आपको सुनना क्या है, वो आसन बना के कमर सीधी करके थोड़ा निश्चय कर लो, एक सेकंड मन में ले लो, आत्मा में सोच लो थोड़ो कि हमें क्या कथा सुननी है। जितने भी सुनत आए ना, वो ज्यादा से ज्यादा परीक्षित वाली कथा सुनो, पाप धोने वाले, ये मेरा मानना है। क्यों? जब तक कपड़े को अच्छी तरह से नहीं धोया जाता है, उस पर स्त्री भी अच्छी चमकती नहीं। पहने हुए कपड़े को ले जा धोबी के यहाँ, कहो स्त्री मार दे, वो मार तो देगा पर कपड़ा चमकेगा नहीं, दाग दाग से दिखेंगे पसीने के। पहले धो लो। तो क्या करने का? पहले पाप धोना चाहिए, पहले दोष निकालना चाहिए, फिर उसके बाद स्त्री, उसके बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, फिर चमकता है। दोषी आदमी में ज्ञान नहीं चमकता, पापी आदमी में ज्ञान चमकता नहीं, यह ध्यान रख लेना। जितने भी भारत में, दुनिया में, जितने भी गांव शहरों में, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जितने भी ब्राह्मण ज्ञानी हैं, अगर उनमें दोष है तो उनका ज्ञान कभी चमकता नहीं, उनकी भक्ति चमकती नहीं, उनका स्वरूप चमकता नहीं। क्यों? वो सब गड़बड़ है। क्यों? दोष में कैसे चमकेगा बताओ? किसी दाल में एक कटोरी में 10 पत्थर आ जाए तो कोई रोटी खा सकेगा? नहीं खा सकेगा, खा नहीं सकता। ऐसे ही जिस जीवन में पाप है उसमें ज्ञान भोग में नहीं आता है, उसमें ज्ञान सुख नहीं देता है, उसमें ज्ञान चमका नहीं सकता है। पेट तो आगे तब आता है जब रोटी ठूस ठूस के भरी जाए। ओम ऐसे उठे पत्थर वाली दाल से ओम कैसे बोल सकता है? बिना खाए ओम बोलना पड़ेगा, पेट अंदर घुसा पड़ा है। और ध्यान रखिए, कबीर जी क्या लिखते हैं अपने गुरु के लिए? कबीर जी लिखते हैं
भूखे भजनन होए गोपाला, यही रखी तुमरी कंठी और माला। हे बाबा हे गुरुदेव, मुझसे भूखे भजन नहीं हो सकता है, तुम्हारी माला फाला जो भी गुरु मंत्र है वापिस ले लो, मैं तो खाऊंगा तो भजन करूंगा। कौन कहते? कबीर जी का है ये धर्म। कबीर जी ने जब घर संसार छोड़ा ना बचपन में, जब गुरु के आश्रम में गए तो गुरु ने कहा 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा तब चेला बनाऊंगा, ले ये माला लेके जा, जब तक तू माला ले तपस्या कर जाप कर, बैठ गया पेड़ के नीचे बालक कबीर। एक दिन तो निकाल लिया, अब दूसरे दिन चूहा कूदे। रात में गया, गुरुजी सो रहे खटिया पे, रात में गया और पैरों के पास माला जंतर मंतर सब रख दिए और सोते हुए गुरुजी से कहा जो मैंने अभी बोला आपको। सोते गुरुजी सो रहे थे और गुपचुप रख दिया और बोल लिया, भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ, गुरु को गोपाल कहा, हे प्रभु हे कृष्ण हे प्रभु, गुरु तो भगवान का ही रूप है, तो कहा भूखे भजन न होए गोपाला, और यही रखी तुमरी कंठी और माला। महाराज तुम्हारा सारा सामान वापिस ले लो, हमसे नहीं हो रहा भजन भजन, हमें तो आदत है, हम तो बच्चे, हमें तो खाना पीना। हाँ, तो शास्त्र भी यही कहता है, भागवत भी यही कहती है कि थोड़ा खाना चाहिए और थोड़ा त्यागना चाहिए। हाँ? और गुरुजी ने क्या किया, पहले दिन सब बंद करवा दिया, उसका फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये वो, रोटी बंद करवाओ पानी बंद करवा तो जूस की आज्ञा कर दो, जूस बंद करवा दो तो थोड़ी रस की आज्ञा कर दो, रस भी बंद करवा दो तो कोई गीले पत्ते की आज्ञा कर दो, वो भी बंद करवा दो तो किसी पेड़ की छाल की आज्ञा कर दो, एक साथ सब नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, जब धीरे धीरे अभ्यास बड़ा हो जाएगा, रोटी छोड़ने का हो जाएगा तो पानी पीते रहो, पानी छोड़ने का हो जाएगा दूध पीते रहो, दूध पीने छोड़ने का हो जाए रस लेते रहो, रस का हो जाए छाल चबाते रहो, छाल का हो जाए पत्ते चबाते रहो, प्यास बुझती रहती है भूख बुझती रहती है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाए फिर उपवास करना चाहिए। और ये मम्मी लोग क्या करती है, अभ्यास किसी चीज का नहीं है, कर लिया सोमवार अभ्यास किया नहीं है, सोमवार कर लिया, कितने 16 सोमवार कर लिए, एक भी नहीं किया, बिना अभ्यास के कोई व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों? सुनिए, व्रत करने से पहले सब पहले अभ्यास कर लो,